यही का तो कहा था राहु सवार होना कि वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थी और हम हाई स्कूल फेल हुई रहन हुई के बाद भी वो हमको उतना ही प्यार करती थी जितना हम उनको करते थे। और हमका लग रहा कि वो समझ नहीं पाई कि हम सही में हाई स्कूल फेल हैं, वही मजाक समझती रहीं। लेकिन कुछ ना कुछ उनका लगा हो कि आदमी ठीक है, चलो बहुत इंसान से प्यार करते हैं, बहुत बिना पढ़े लिखे लोग सफल। तो 16 से 26 वाली बात सही है कि आप 10 साल तक हाई स्कूल का एग्जाम देते रहे? हाँ, हम 10 साल पूरे हाई स्कूल दिया और 2-3 साल तो हम जान ही नहीं पाए कि हम हाई स्कूल में फेल हुई जाए। वो तो मास्टर बताए इसकी कही 4थी 5वीं बात, कहे लगा स्कूल बदल के देखो यार, कुछ टोटका करो, कहो पास हुई जाओ। तो हम फिर खागा से भरा, गैलों से भरा, झिंझक से भरा, काशीपुर से भरा। फिर हमारे जीजा प्रिंसिपल थे ताराचंद इंटर कॉलेज सुली में, तो जिज्जी कहन कि इनका बुलाओ पास कराओ। तो फिर हम सुली से भी भरा, लेकिन हम सुली में पेपरें नहीं दे पाए क्योंकि हमारा एक बचपन से टारगेट रहा भैया, ऐसे कुछ बच्चों का टारगेट होता है कि हमको बंदूक चाहिए, कुछ लोगों का टारगेट होता है हमको मकान चाहिए, कुछ लोगों का टारगेट होता है हमको यश कीर्ति भाई। हमारा साला बचपन से टारगेट रहा है कि हमको पत्नी चाहिए, शादी करनी। यानी हमारे मन में क्या भय था कि हमारी शादी ही नहीं होगी। तो जब हम ताराचंद इंटर कॉलेज सुली में पेपर देने गए हाई स्कूल का, 2 शिफ्टों में पेपर होते थे। बहुत बढ़िया किस्सा, ओरिजिनल आपका बता रहे हैं। स्कूटर से पहुँचे ना हम लोग, 3 सवारी। तो समय 3 सवारी में बहुत ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता था, कोई ऐसा नियम नहीं, चलान नहीं कटता था। 3 सवारी पहुँचे, ताराचंद इंटर कॉलेज के सामने स्कूटर रोका, जीजा निकल के आए, बोले कि कुछ प्रैक्टिकल की फाइल आइल लाए हो। हमने कहा बस जीजा हम चले आए हैं, यही का अपना भाग्य समझो, मेरा मूड नहीं था आने। तो जीजी कहीं इनका कोई की प्रैक्टिकल की फाइल दिला दो, वही नंबर दिला देना। तो ये एक फाइल दिलाए, नोमा गुलाब का फूल, अशोक के पत्ता, गूलर के पत्ता, नहीं सब होती थी। वो हम स्कूटर में रख दिया, चाय पिए लगन। तब तक पहली शिफ्ट छूटी तो उसमें बच्चे निकल रहे थे, तो एक बहुत खूबसूरत लड़की निकली। ऐसा कि हम बताया शादी को लेके हम बहुत चिंतित थे, तो हमने कहा माता रानी बस इसी से करा दो, ये हाई स्कूल में हम आऊँ हाई स्कूल में, जबकि हम उस समय तक 7 बार फेल हो चुके थे। आप सीनियर थे? हाँ, सीनियर के मास्टर की उम्र के थे। लेकिन अब क्योंकि गए तो हाई स्कूल का पेपर देने थे, तो हाई स्कूल वाली का देखा चालू किया। तो लड़की भी हमका देख के मुस्कुराई, हमें लगा कि जैसे सुली की हैं ये और हम कानपुर के हैं, तो ये चाहती हैं कि कानेपुर में हमार ससुराल हो जाए। तो हमें लगा कि लगभग लिफ्ट मिल गई। तो अब वो पैदल चली, तो हम फाइल आइल छोड़ के वही के पीछे चलते। अब वो चलते 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 2.5 किलोमीटर तक चली गई। हमने सोचा घर आज देख लें, कल परसों से फिर लगेंगे आके यहाँ मेहनत करेंगे। 2.5 किलोमीटर बाद वो एक टेम्पो में बैठी चली गई। हमका 2.5 किलोमीटर लौटना भारू भाई, जाते समय तो उसका सहारा था कि वो पीछे देख रही, हम पूरे पहलवानी चल, एनर्जी मिल रही। अब लौटना भूतों के सहारे। तो जब लौट के आए तब तक का जो फाइल रहा है वो साढ़ खा गवा, ओके गुलाब उलाब के फूल सब चबा गया। ये सही कहानी है? ये असली कहानी है आपका बता रहे हैं। अरे अब वन हाई स्कूल का पेपर तो छोड़ो, जीजा की नौकरी जाने की स्थिति, भाई ये कही हमका फाइल दिलाएं, अब वो फेल हुई। हम तो हुए, हमें तो कोई फर्क नहीं भाई, 9 बार 10 बार। तो फिर जीजा कहें कि अब तुम प्रभु यहाँ से बहुत जोर आँखी सामने से हमारे निकल लो। तो हम भी खुशी मन से टेम्पो ढूंढते भाई कि वो नंबर मिल जावे कहीं, लेकिन मिला नहीं, हम कानपुर अपना चले आए। तो हमका बहुत दर्द नहीं रहा, जय बार भी फेल होते थे हमको बहुत, हमारे बल्कि स्कूल के कई बच्चे ऐसे थे कि जब हम हाई स्कूल में थे तो वो कक्षा 2 में 3 में थे, फिर वो 4 में 5 में 6 में, तो हमको समझते थे ये मास्टर है, ये परमानेंट दिख रहा है इतने साल से। हमारे सामने के सारे मास्टर मर गए, प्रिंसिपल मर गए, आया मर गई, जो घंटी बजाती थी वो मर गई, लेकिन हम उस स्कूल में टिके हुए स्थापित रहे। तो बहुत से बच्चे तो हमारे पैर छूते थे जो वहाँ से हाई स्कूल कर रहे थे, हम भी कर रहे। तो मास्टर साहब चरण स्पर्श कर रहा था, सोचा था ये मास्टर है हमारा। नहीं तो ये पूरा इसमें ससुराल वाले भी आपके साथ शादी के लिए इसी वजह से तैयार नहीं थे कि आप हाई स्कूल पास नहीं कर पा रहे? हाँ, तो जब शादी की बात हो रहा है, तैयार कोई तरह ना भी रह रहा है, तो उस समय हमारे फादर इन ला
सुहेली की बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हो गए सामने, हमारे जीजा प्रिंसिपल थे। तुम जीजा कहा तुम बात करो जाके, तो वही कहें कि एक बस मास्टर साहब जवाब हमका दे दो, हम तुम्हारे कहे शादी कर ले वे, कि 10 बार हाई स्कूल फेल भाई लड़के से तुम अपनी बिटिया की शादी कर देते हो। जीजा कहें हम तो ना करें, कहें बस ख़त्म हो गई यही जगह बात। फिर हम जीजा फ़ोन मिला पूछा कि क्या हुआ, तो जीजा बताएं कि ये शादी तुम्हारी हो ही ना पाई। तो ये भगवान ने फिर हमारी मदद करें भगवान, और एक दिन अचानक रिश्ता हुआ और यही वाली शादी हमारी, सपोर्टिंग वाइफ मिल गई। हाँ।